अस्सलाम वालेकुम हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही बड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने यहाँ लेना है एक कप बेसन लेना है, इसे अच्छे तरीके से छान लेना है आपने। इसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा और आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च ऐड करी है। इसके साथ साथ यहाँ मैं आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे इसका एक पेस्ट बना लेना है। हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक इसका पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, चाहें तो चम्मच से या विस्कर से, जो आपको सूटेबल लगता है आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चम्मच से ऐड कर रही हूँ। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे तरीके से पेस्ट बना लें। तो माशाल्लाह से मेरा पेस्ट जो है वो बनकर तैयार है बेसन का। इसमें यहाँ पर मैं आधा चम्मच सोडा ऐड कर दूँगी। सोडा आपने तब ऐड करना है जब आप बनाने लगे उसे तकरीबन 25 मिनट पहले। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली, कोई लम्स वगैरह बिल्कुल ना रहे। एक अच्छा सा स्मूदी सा पेस्ट बन जाए, एक सॉफ्ट सा हमारा एक पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम इसे साइड कर देंगे। आपने एकदम इसी तरह का पेस्ट बनाना है और बिल्कुल गाढ़ा बनाना है, आपने बिल्कुल पतला नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने दही ली है तकरीबन एक पाव के करीब। दही को मैंने जो है अच्छे तरीके से फेंट लिया ताकि इसके अंदर भी कोई मलाई वगैरह ना हो। दो चम्मच मैंने शुगर पाउडर डाल दिया, आप नॉर्मल शुगर ऐड कर सकते हैं। एक से दो चुटकी मैंने डाली इसके अंदर नमक। दो चुटकी मैंने इसके अंदर डाला है धनिया पाउडर और दो चुटकी मैंने डाला इसके अंदर चाट मसाला। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऐड करी है काली मिर्च और ज़ीरे को मैंने हाथ से हल्का सा पीस कर कूट कर इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चाहें तो आप फॉक से कर सकते हैं, चाहें तो आप चम्मच वगैरह, जो आपको सूटेबल लगता है आप कर सकते हैं। क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा जो है मिर्च मसाले ऐड कर दें इसके अंदर। एक पैन में जो है हम इसके अंदर जो है अपने जो भल्ले हैं वो ऐड डाल देंगे। इसका पेस्ट जो है बैटर डाल के इसके अंदर जो है हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, जब शैलो फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको जो है पलट लेंगे। आपने सेम इसी तरह करने है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आप बेसन जब आप अपना छोड़ोगे सोडा डालकर तो ये जो है फूलेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। आपने बेसन जो है वो एक थिक लेयर रखनी है। अगर आप पानी इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो ये पतले हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से मेरे जो है यहाँ पर बड़े बनकर तैयार हैं। बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे, यही बहुत अच्छे लग रहे थे और जायके में भी बहुत अच्छे थे। सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट थी। इसके बाद हम इनको एक पानी में ऐड कर देंगे। आपने इनको पहले ठंडा कर लेना है नॉर्मली, फिर आपने इनको पानी में ऐड करना है 5 मिनट के लिए। जब ये पानी जस्ट कर लेंगे तो हमें निचोड़ के एक प्लेट में डाल देना है। डिश वगैरह जो प्लेट वगैरह में आप ऐड कर रहे हैं आप अपने तरीके से ऊँच नीच कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो डिश वगैरह लेनी है वो इस तरह की लेनी है कि ये जो है थोड़ी खुली हो, क्योंकि ये फूल जाते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे केचप चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, चटनी ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, काले मिर्च, काला नमक वगैरह। तो हमारे माशाल्लाह से दही बड़े बनकर तैयार हैं। अगर यहाँ मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त, दुआ में याद रखेंगे आपकी दोस्त सना। अल्लाह हाफिज़।